यार तूने मेरे को ब्लॉक क्यों करा है यार, मेरे को इतना तुम्हें बता दे क्यों ब्लॉक करा है यार, हद है यार, मतलब क्या कमी रह गई थी यार, जितना कुछ करा था यार इतना कुछ तो कर दिया तेरे लिए यार, हद है, मतलब क्यों करा मेरे साथ ऐसा करना। प्यार च पागल एक किन्नर अपने प्यार दी गुहार ला रही है, तस्वीरां देख सकदे हो तुसीं तां जिहड़ी किन्नर दी सामने आ रही है तां अपने आशक दे अगे फोन ते गल कर रही है कि तू वापस आ जा, तां देख सकदे हो तस्वीरां दे विच प्लीज एक बार वापस आ जा मेरे नाल गल कर ला, तां जिहड़ी गुहार ला रही है उस नाल फोन ते ते दसदी है कि तुहानूं एक शख्स उस किन्नर तों लखां रुपए दा चूना लगा के दुबई भज गया ते अज ओह प्यार दी गुहार ला रही है ते कह रही है कि तू वापस आ जा, की है पूरा मामला तुसीं वी सुणो। इतना कुछ करा था यार इतना कुछ तो कर दिया तेरे लिए यार, हद है, मतलब क्यों करा मेरे साथ ऐसा करना यार, हद है, और कितना कर दूँ यार, कितना कर दूँ तेरे लिए यार, प्लीज अनब्लॉक कर देना, बात कर ले यार, क्यों कर रहे तुम मेरे साथ ऐसा, कर ले बात प्लीज यार, प्लीज कर ले, प्लीज कर ले बात यार, प्लीज। मैं जी डीडी गोयल, वो मामला मेरा बॉयफ्रेंड है जी कायरव खुराना, मैं चाहती हूँ वापस आ जाए, बस ये मामला वो ही है, 2.5 से 3 साल हो गए थे जी। अच्छा, तो क्या बात, क्या हुई थी? बात कुछ नहीं हुई, कहते हैं जब हम साथ थे तो बातें थी दो, अलग हुए बातें हुई तीन, एक वो जो उसको पता थी, एक वो जो मुझे पता थी, एक वो जो हम दोनों साथ बैठ जाते तो हम दोनों को ही पता चल जाते, तो बात तो पता ही नहीं क्या हुई। काफ़ी प्यार में धोखा खाया लगता है, समस्याएं हैं आपको सेहत संबंधी? मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज, मेरा 3rd का 4th स्टेज चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, ये नहीं बोलूँगी हार गई हूँ, पर आज के वक्त में जो चीज़ें देख रही हूँ वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि पता नहीं चलता कि लकीरें भी हाथ की कब छिन जाए, तो ये तो फिर भी जान है, आपके एक्स को पता थी ये बात, फिर भी तरस नहीं है उनको? कहते हैं जब दिल से उतर जाए तो फिर इंसान कब्र में उतर जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता कई लोगों को, शायद उसकी मैंटेलिटी वैसी हो रखी है इस टाइम, क्योंकि आखिरी वक्त की बातों में उसने यही कहा था कि तू कब्र में भी उतर जाए तो मेरे आंसू ना निकले और मेरी बद्दुआ है कि तू बहुत गंदी मौत मरे। इतनी बेरुखी कैसे हो गई? अब वो मुझे पता होती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, मैं ये बोल सकती हूँ, मुझे खुद वो बात जाननी है कि इतनी बेरुखी कैसी हो गई, आखिरकार जो इंसान मेरी आंखों के आंसू नहीं देख सकता था, मेरे आंसू देखकर उसके आंसू निकलाते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान मुझे छोड़कर भाग गया, ऐसा कारण क्या था, मुझे खुद वो चीज़ जाननी है, मैं अंदर से तिल तिल कर कर मर उसी चीज़ की वजह से रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ पता ही नहीं है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या गवाया, ऐसा किसने क्या भड़काया, क्योंकि इतना मुझे पता है मेरे आसपास के लोग कहते हैं 24 घंटे में 24 लोग अगर आपको उंगली लगा रहे हैं तो एक की उंगली तो आपको लगेगी, तो मुझे ऐसा लगता है वो लोगों की बातों ने हमारा रिश्ता खा लिया, क्योंकि लोग साथ में जड़ नहीं सकते थे हम, तो मैं खुद जानना चाहती हूँ कि वो कारण क्या रहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है अभी। तो अभी आप बीमारी से जूझ रहे हो आप, तो अभी आप क्या मीडिया के माध्यम के जरिए क्या उसको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्या पता ये वीडियो वो देख रहे हो शायद? मैं हाथ जोड़ के उसके माता पिता से माफ़ी मांगती हूँ, पहली चीज़ कि मैंने उसके माता पिता के साथ गुस्से में जो बोला जो किया, दूसरी चीज़ कि वापस आ जा, बैठकर बातें क्लियर होती हैं, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि भागना तो तू नहीं चाहता था, तो भागने से कुछ नहीं होगा, कब तक भागेगा, आखिरकार आना यहीं पड़ेगा ना।